मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम है सबसे पहले वो बता देते हैं। यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम, 11 बजे लोकभवन में नियुक्ति प्रदान करेंगे सीएम। चयनित 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं आज। तो चयनित 431 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। करीब 11 बजे लोकभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के दिन भर रहने वाले? बिल्कुल, बता दूं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे लोकभवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी जिनकी संख्या 431 है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। निश्चित तौर पर लंबे समय से यूपी गवर्नमेंट देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर के संभावित रोजगार को लेकर के प्रयासरत है, और उसी क्रम में जो ये कृषि विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां निकली थी उसके बाद अंतिम चयन प्रक्रिया हुई और रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद आज 431 जो सफल अभ्यर्थी है उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अब तक अगर बात करें तो लमसम 4 चरणों में 6809 जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र देकर के शासकीय सेवाओं से जोड़ा गया। तो ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश शासन के लिए है, क्योंकि देखा था अक्सर कि शासकीय सेवाओं में जो कर्मचारी हैं उनकी कमी रहने से तमाम जो मामले होते हैं, फाइलें होती हैं, लंबे समय तक लंबित रहती हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार भर्तियों का दौर जारी है और आने वाले समय में लोक सेवा आयोग के द्वारा और कुछ भर्तियां निकालने वाली हैं, माफ कीजिएगा, कुछ और नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं जिनकी संख्या लमसम 1300 है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उस दौरान वादा किया था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा और निश्चित तौर पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। सरकारी जो क्षेत्र में संभव हो सकता है रोजगार वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनके लिए भी सरकार सहायता कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि सरकार के लिए भी है और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।